आपने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडिया जीत जाए, मगर वर्ल्ड कप में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो हमें शक सा हो रहा है बस बिलावजी में कि शायद वो इंडिया को जितवाना चाह रहे कोई। अच्छा हो सकता है ऐसा ना हो, मगर ऐसा हुआ कि व्हाइट बॉल कराई बांग्लादेश ने जानबूझकर, जब ये देखें आप, मगर दी नहीं गई क्योंकि कोहली को कुछ ही रन चाहिए थे, एक दो रन चाहिए थे। देखिए आप, वो भी हैरान थे क्यों ऐसा कैसे हो रहा है, ये वाइड नहीं थी। ये अंपायर को कॉल करके पूछे, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों। अपने फॉर्मर क्रिकेटर्स, हमारे एक्सपर्ट, सोशल मीडिया पे एक धूम मच गई है। एवरीबडी इज क्रिटिसाइजिंग ऑन एम्पायरिंग कि किस तरीके से लेफ्ट साइड पे बॉल गई है, वाइड बॉल था, वो कैसे उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि वो होम ग्राउंड में खेल रहे हैं क्या कुछ, आई डोंट नो। बिकॉज अगर आपको याद हो, एशिया कप था और एम्पायर का फैसला तब भी विराट कोहली के हक में था, तो वो क्वेश्चंस आज फिर दोहराए जा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। व्हेन इट कम्स टू विराट, तो वो चीजें अलग हो जाती हैं, व्हाइट बॉल भी व्हाइट बॉल नहीं, जलवा है हमारा। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है विराट कोहली, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए जी, क्योंकि उनकी प्रेजेंस है, स्वैगर है, और राइट स्पिरिट से वो क्रिकेट को खेलते हैं। इंडिया की इनिंग्स आई तो ऐसा लगा कि ये वर्ल्ड कप वही जीतना चाहते हैं, हमें कोई चांस ही नहीं दे रहे। बात तो सही है। ये आप रियलाइज करें कि पहले 50 ओवर इन्होंने फील्डिंग की है, उसके बाद 90 पे ये दुके पे दुक्का लिए जा रहा था। दैट शोज दैट गाय इज फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेनेट। क्या क्या बात कर रहे हैं? इन सारे बैट्समैनों को गौर से देखें, अगर कोई बैट्समैन प्रेशर फील कर रहा होगा या टेंस होगा, उसके शोल्डर बहुत टाइट होंगे। ये आप देखें एक दूसरे की सक्सेस को किस तरह एंजॉय करते हैं।